सब्सक्राइब करें क्रिएटिव क्राफ्ट आर्ट चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्राफ्ट आर्ट। आज हम बनाएंगे नायलॉन स्टॉकिंग क्लॉथ फ्लावर बंच। पार्ट फर्स्ट, रिक्वायर मटेरियल है छोटी सी ज्वेलरी मेकिंग वायर लें। वायर के एक साइड राउंड कर उस पर कॉटन लगा लें। कॉटन पर क्रीम कलर का स्टॉकिंग क्लॉथ को रैप करें। थ्रेड से क्लॉथ को वायर से फिक्स करें। एक्स्ट्रा थ्रेड और क्लॉथ को कट करें। बाकी वायर को ग्लू से ग्रीन फ्लोरल टेप रैप करें। इस तरह फ्लावर बड बन जाएगा। ऐसे ही और तीन फ्लावर बड बना लें और एक छोटी वायर लेकर राउंड कर उस पर थोड़ा कॉटन लगाकर रेड स्टॉकिंग क्लॉथ रैप करें। थ्रेड से क्लॉथ को वायर से फिक्स करें। एक्स्ट्रा थ्रेड और क्लॉथ कट करें। इस तरह और दो छोटे फ्लावर बड बना लें। 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला वायर रैपिंग रिंग लेकर उस पर वायर को राउंड कर लें। एक्स्ट्रा वायर कट करें। वायर पर क्रीम कलर का स्टॉकिंग क्लॉथ को रैप करें और थ्रेड से फिक्स करें। एक्स्ट्रा थ्रेड और क्लॉथ कट करें। वायर को पेटल शेप दें। ऐसे ही क्रीम 6 और रेड 4 स्मॉल पेटल्स बना लें। 3 सेंटीमीटर डायमीटर वाला वायर रैपिंग रिंग पर वायर को राउंड करें। वायर पर क्रीम कलर का स्टॉकिंग क्लॉथ को रैप करें और थ्रेड से फिक्स करें। एक्स्ट्रा थ्रेड और क्लॉथ कट करें। इस तरह क्रीम 6 मीडियम पेटल्स बना लें। सेम साइज रेड पेटल्स को शेप दें। ऐसे ही 3 रेड मीडियम पेटल्स बना लें। फर्स्ट बर्ड फ्लावर बनाने के लिए रेड बर्ड लेकर उसके साइड से 3 स्मॉल क्रीम पेटल्स को अरेंज करें।
ग्रीन फ्लोरल टेप को ग्लू से फ्लावर से अटैच करें। इस तरह फर्स्ट बड फ्लावर बन जाएगा। ऐसे ही और दो बना लें। सेकेंड हाफ ओपन फ्लावर बनाने के लिए रेड बर्ड लेकर उसके साइड से 3 स्मॉल क्रीम पेटल्स को अरेंज करें। उसके बाद 3 मीडियम साइज रेड पेटल्स को क्रीम पेटल्स के साइड से अरेंज करें। पेटल्स को अच्छे से अरेंज करें। फ्लावर को ग्लू से ग्रीन फ्लोरल टेप अटैच करें। इस तरह सेकेंड हाफ ओपन फ्लावर बन जाएगा। ऐसे ही और दो बना लें।